हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। आप हमारी वीडियोस को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि रेसिपी से जुड़े कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हम अपनी वीडियोस के बीच में आपसे शेयर करते हैं। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एकदम नया और आसान तरीका साबूदाने के पकौड़े बनाने का। चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले एक बोल में हम ले लेंगे एक कप साबूदाना, साथ ही हम उसमें डाल देंगे आधा कप दही। ये फ्रेश कर्ड है हमारे पास, और साथ में इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये साबूदाना पकौड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही साथ बनाने में बहुत ही आसान भी होता है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभी चीजों का मेजरमेंट हमने एक ही कटोरी से लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच सिरका और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हमें इसी तरह से चाहिए साबूदाना। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च, आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बारीक कटा हरा धनिया, और साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। और अब डाल देंगे 3/4 कप चावल का आटा और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से हाथ से मसल मसल के मिक्स कर लेंगे। अच्छे से दबा दबा के मिक्स कर लीजिए। ये मिक्सचर अभी थोड़ा ड्राई है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। करीब 4 से 5 चम्मच हमें पानी का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे करके पानी डालिए, हमें बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसे हाथ से मसल के अच्छे से मिक्स करते जाइए। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए साबूदाने के पकौड़े बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। और जब हम इसे हाथ से उठाएंगे और पकौड़ों की तरह छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से छूट जा रहा है, यानी ये जो हमारा बैटर है वो पकौड़े बनाने के लिए एकदम ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है ऑयल, उसे कर लिया है मीडियम गरम, और अब पकौड़ों को हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए, पकौड़ों को कढ़ाई में डालने से पहले आप अपने हाथों को धो लें, जिससे जो बैटर है वो हाथ में चिपके नहीं। साबूदाने के पकौड़े थोड़े डेलिकेट होते हैं तो शुरू में आप इनमें एकदम कलछी ना लगाएं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर डालते जाएं, और जब ये एक तरफ से थोड़े सिक जाएंगे, थोड़े फ्राई हो जाएंगे, तभी हम इन्हें पलटेंगे। और यहाँ पर साबूदाने के पकौड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखिए, ये साबूदाने के जो पकौड़े हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया है। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। और इन्हें निकालने के लिए हम इन्हें एक छलनी के ऊपर निकाल लेंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे निकल जाए। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गए हैं साबूदाने के पकौड़े। और आपको दिखाते हैं कि बाहर से ये जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। साबूदाने के पकौड़े बनाने के लिए आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है और बैटर की कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखना है। अगर आप हमारी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी बनेगी जैसे इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इस रेसिपी को बनाइए और गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।